ऐसा कोई टाइम जब आप यू नो यू वर इन अ सूप और आपको लगा कि शायद आप निकल ही नहीं पाएंगे सिचुएशन से, एनी सच सिचुएशन दैट हैपेंड विद यू जहां पे आपको लगा अरे गड़बड़ हो गए? मनोज सर, मैं तो हर बार बहुत हर छह महीने में ऐसी इंक्लूडिंग दिस प्रमोशन गॉट इन अ सूप हाउ एम आई गोना गेट आउट ऑफ हियर ऑल द टाइम सूप इन बार. मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मैं सिर्फ एक ही ओकेजन पे झूठ बोलता हूँ, जब मुझे किसी फंक्शन में जाना होता है या तो मलेरिया हो जाता है मुझे और जो मलेरिया दो दिन में ठीक भी हो जाता है सोच के निकाल. एक बार मेरे साथ जो हुआ था, आई थिंक माय डायरेक्टर विल नॉट फॉरगिव मी, आई मीन दिस डायरेक्टर एन एक्टर कैन डू दैट, एंड देयर वाज एंड आई यूज्ड टू बी अ मेजर क्रिकेट बफ और इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच बहुत ही क्रूशियल वनडे मैच होने वाला था. अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि यार ये तुम ये नहीं देखा तो जिंदगी खत्म हो जाएगी है ना, ये फिल्म तो बन जाएगी मैच एक ही बार आएगा तो मैंने और मैं शूटिंग कर रहा था कहाँ पे, समवेयर नियर सतारा के गांव में कहीं. तो मैंने उसको बोला कि देख कल एक हॉलीवुड का डायरेक्टर है और वो आ रहा है मुझसे मिलने के लिए. From Australia? No. So we decided to meet in Pune. So मैं यहाँ से सतारा से पुणे जा रहा हूँ. तो उसको भी लगा गिल्ट हो गया कि यार हॉलीवुड की फिल्म मिलने वाली है इसको और मैं मना कैसे करूँ. उसने कहा नहीं नहीं तू जा मैं एडजस्ट कर लूँगा ठीक है. तो मैं गया. अगले दिन सब लोग जा रहे थे. सो डायरेक्टर केम इनसाइड, उन्होंने कभी जा रहा है तू? मैंने बस अभी निकलने ही वाला हूँ, मैं भी जो है तैयार वार हो रहा हूँ. अरे ऑल द बेस्ट है, ऑल द बेस्ट करके सारे लोग होटल से चले गए. मैंने डू नॉट डिस्टर्ब लगाया बाहर और अंदर में मैच पूरे दिन मैच देखा मैंने. थोड़ा स्लो जाना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, लेकिन बाहर तो पड़ेंगे. And honestly, I felt the world was closing in on me. Because everybody else's life was going on. And at that time, I just felt it's the end of the world. But then, you know, then the learning has come with time, with age, that everything passes. The good times pass, the bad times pass. So that is a lovely thing. It's very reassuring. Right. Abhishek, do you have any such situation? No, it's in the context of our show only. We were in Kerala for 3 months shooting. और मुझे नहीं याद कोई भी एक ऐसा दिन था जिस दिन बारिश ना हो, जिस दिन सूप में नहीं थे तो एक भी दिन नहीं था ऐसा. और हम आमतौर पर हमें 12 घंटे मिलते हैं शूटिंग के लिए, लेकिन बारिश की वजह से हमारे पास कभी 6 रहते थे, 5 रहते थे, और काम तो उतना ही करना है. तो ये सब होते होते हम जब क्लाइमैक्स शूट करने आए तो एक हफ्ते की एक नाइट शूटिंग थी और उसमें पहले 3 दिन बारिश हो गई. तो मुझे एक ऐसा मोमेंट आया कि मुझे लगा मैं कभी नहीं निकलूंगा यहाँ से, जिंदगी यही होगी. मैं रोज आऊंगा शूटिंग पे, रात भर शूटिंग करूंगा, बारिश हो जाएगी, फिर खड़ा रहूंगा और इंतजार करूंगा बारिश के लिए, और यही जिंदगी निरंतर चलती है. यही मेरी जिंदगी है. एक ऐसा वक्त आया था जैसा कोंकर ने कहा, सब यू नो एवरीथिंग पास. मनोज सर, व्हाट अबाउट सूप?